जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर खड़गे और राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि, तो कांग्रेस ने पीएम मोदी को कैसे घेरा? देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की शनिवार को पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। कांग्रेस नेताओं ने भी पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि देते हुए आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान को याद करते हुए अपनी अपनी बातें रखी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनके समाधि स्थल शांतिवन पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जबकि सोशल मीडिया के जरिए भी उन्हें याद किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के योगदान के बिना 21वीं सदी के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। लोकतंत्र के निर्भीक प्रहरी, उनके प्रगतिशील विचारों ने चुनौतियों के बावजूद भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास को दृढ़ता से आगे बढ़ाया। हिंद के जवाहर को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत हमेशा रहेगी। भारत के विचार और स्वतंत्रता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और आधुनिकता के उन मूल्यों पर मशाल की तरह प्रकाश डालती रहेगी जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। उनकी दूरदर्शिता और अहमियत हमेशा हमारी अंतरात्मा और कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, कुछ लोगों के हुकूमत में बैठ जाने से मुल्क ऊपर नहीं उठते, मुल्क ऊपर उठते हैं जब करोड़ों लोग खुशहाल होते हैं और तरक्की करते हैं। हमने ऐसा ही स्वप्न देखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्य स्मृतियों को सादर नमन। खास बात यह रही कि कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए पीएम मोदी पर जोरदार तंज कसा गया। कांग्रेस के ट्वीट में लिखा गया, मैं आपका प्रधानमंत्री हूं, लेकिन किसी भी तरह से आपका राजा नहीं। इसके साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातों का जिक्र किया गया जिसमें लिखा गया, मैं आपका प्रधानमंत्री हूं, लेकिन किसी भी तरह से आपका राजा नहीं, यहां तक कि आपका शासक भी नहीं। मैं वास्तव में आपका सेवक हूं, और जब आप मुझे मेरे कर्तव्य में असफल होते देखें तो यह आपका कर्तव्य होगा कि आप मुझे कान से पकड़ें और हटा दें। इसके अलावा राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन किया। चलते चलते एक बार फिर से देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।